ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान देना, कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अब कल जो मेथड्स हमने देखे उसमें डिसीजन ट्री हमने कवर किया, सेंसिटिविटी एनालिसिस पे बात की। अब वैसे ही यहाँ पे नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो अभी फिलहाल आपको मॉड्यूल में से उसकी कोई थियरी नहीं देखनी, पहले आप यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेंगी वो लिख लो, फिर सम्स जब अपने स्टार्ट करेंगे तो मॉड्यूल में से देख लेंगे। तो अभी काम नहीं है, मॉड्यूल अपने बाद में यूज़ करते हैं। देखो एग्जैक्टली क्या टॉपिक है, आप हेडिंग एक बार दे देना, रिप्लेसमेंट डिसीजन। चलो अब ध्यान दो, बातें नहीं। रिप्लेसमेंट डिसीजन का जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे डिसीजंस अपने जनरल लाइफ में भी काफ़ी बार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन है वो जनरल लाइफ में या नॉर्मल पर्सनल गुड्स के हिसाब से नहीं है, बिजनेस में जो गुड्स मशीनरी असेट्स ये सब यूज़ हो रही हैं उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ें देखने जा रहे हैं। अब नॉर्मली एक एग्जाम्पल अगर अपने जनरल बेस पे ले, सपोज आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एक मोबाइल फ़ोन वाला केस ले लेते हैं। एक पॉइंट होता है ना, आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, घर वालों ने दिलाया हुआ, आप यूज़ कर रहे हो, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद फिर आपको लग रहा होता है कि अब नया मोबाइल फ़ोन लेने का टाइम आ गया है, होता है ऐसा? अब आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको नए फ़ोन की रिक्वायरमेंट है? एक होता है नीड और एक होती है वांट, दोनों में फ़र्क है ना। तो नीड नहीं है लेकिन वांट है कि भाई चाहिए नया फ़ोन, बहुत टाइम हो गया, एक साल डेढ़ साल दो साल हो गए, अब नए फीचर्स आ गए फ़ोन में, ये वाला पुराना लग रहा है, अब इसको चेंज करो। और फिर क्या होता है ना, आपको तो नया फ़ोन ख़रीदना है लेकिन पेरेंट्स को दिख रहा है कि अभी कोई नीड है नहीं, अच्छा वाला चल रहा है, फिर अपने ना उस फ़ोन में खराबियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यार हैंग हो जाता है बार बार, पुराना हो गया है, फोटो अच्छे नहीं आ रही है, ये हो गया वो हो गया, मतलब सौ चीज़ें उसके अंदर अपने बहाने ढूंढ रहे हैं। और एक पॉइंट पे कभी होता भी है, फ़ोन में कुछ रिपेयरिंग का एक्सपेंस आ गया, बस एक बार रिपेयर का कुछ खर्चा आना चाहिए, फिर आप घर पे और बोलना शुरू कर देते हो, बोले देखो बोला था आपको खर्चा आ रहा है फ़ोन में, फालतू में इतना खर्चा कर रहे हैं, इसे तो नया ले लेते हैं। अब पेरेंट्स बोलते हैं, बोले रिपेयरिंग का खर्चा 1000 रुपये, नया फ़ोन लोगे 20000 रुपये का, बोले कोई कंपेरिजन नहीं है, इसे अच्छा रिपेयर करवा के चलवाओ, काम तो कर ही रहा है। ये चीज़ होती है। अच्छा टू व्हीलर में भी हो सकता है आपके साथ, एक्टिवा यूज़ कर रहे हो, इतने साल से चला रहे हो और कोई टू व्हीलर है, अब बहुत साल के बोर हो गए, बोले यही व्हीकल है, अब इतने नए नए व्हीकल आ गए तो शिफ्ट कर देना चाहिए, नया ले लेना चाहिए। तो वहाँ पे आपका जो डिसीजन है उसमें आप कोई कैलकुलेशन करते हो क्या बैठ के, कि पुराना एक्टिवा इतनी एवरेज दे रहा है, नया एक्टिवा लेंगे वो इतनी एवरेज देगा, रिपेयरिंग का खर्चा इतना आ रहा है वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ मॉनिटरी कैलकुलेशन करके हिसाब करके आप डिसीजन लेते हो, या पर्सनल डिसीजन ऐसे इमोशनल लेवल पर होता है कि वैसा बहुत हो गया नया व्हीकल लेना है, मतलब तो मूड पर है ना, नया व्हीकल खरीदना है तो खरीदना है, एक बार दिमाग में आ गया तो कितना पैसा लग रहा है कितना नहीं। कितनी बार ये भी हो सकता है कि पुराना व्हीकल जो है वो रिपेयर करवा के चलाना ही सस्ता है, फाइनेंशियली वो फिजिबल है, लेकिन आपके दिमाग में आ गया कि अब नया खरीदना है तो खरीदेंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे डिफरेंट तरीके से सोची जाती है, लेकिन बिजनेस में हम जब कोई असेट की, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं, बोले ये मशीन कितने साल से यूज़ कर रहे हैं, छोड़ो क्या रिपेयर करानी, नहीं खरीद लेते, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस में जो पैसा लगा है ना उसमें एक एक रुपये की कैलकुलेशन हो रही है, फाइनेंशियली क्या फिजिबल है वो हमें एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें आइडिया वही है कि वेदर टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग असेट बाई मेकिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसिस डन और अदरवाइज शिफ्ट टू द न्यू असेट। तो ये जो डिसीजन मेकिंग करना है वेदर टू रिप्लेस और नॉट, वो डिसीजन मेकिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब जब आपको यहाँ पे सम्स दिए होंगे तो सम्स में काफ़ी सारा डेटा होगा कि पुरानी मशीन आप जो यूज़ कर रहे हो उतने में आपने खरीदी थी, इतनी उसकी यूजफुल लाइफ थी, अब पुरानी मशीन से नई पे शिफ्ट करोगे तो नई वाली मशीन इतने की आएगी, उसमें आपके कुछ एक्सपेंसिस में सेविंग्स भी हो जाएंगे, नई मशीन है तो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर होगा, रिपेयरिंग एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो कुछ सेविंग्स भी होंगी, लेकिन नई मशीन खरीदने पे इनिशियल कॉस्ट भी तो आपको बेयर करना पड़ेगा, तो वो खर्चा भी आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं जो हम फाइनेंशियल डिसीजंस में करते हैं, कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतनी बचत हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो ही खर्च करेंगे ना, अदरवाइज क्यों करेंगे। अभी आप करंट सिचुएशन में आप ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कभी आपने सोचा भी होगा, पेट्रोल वाले व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल का खर्चा कितना लग रहा है वो आपको पता ही, एक माइंड में आता है ना कि क्यों ना ईवी वाला व्हीकल ले लें। आजकल ट्रेंडिंग में जो नए लोग व्हीकल खरीद रहे हैं, सब लोग मेजोरिटी आप देखते हैं ना ईवी वाले व्हीकल बहुत लोग परचेस कर रहे हैं। अब एक पॉइंट पे आपको भी डिसीजन लेना है कि पुराना एक्टिवा यूज़ करूँ या इसको बेच के ईवी वाला व्हीकल ले लूँ, तो वो डिसीजन आप कैसे लोगे, मतलब सबको ईवी ले ही लेना चाहिए इमीडिएटली या पेट्रोल वाला व्हीकल भी चलाया जा सकता है, कैलकुलेशन पे है ना। अब आप सोचो कि नया ईवी व्हीकल कितने का आ रहा है, 1 लाख रुपये से नीचे तो नहीं, तो 1 लाख रुपये तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 1-20, 1-30 तक भी जा रहा है, तो आप 1.25 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो नए व्हीकल पे, पुराना एक्टिवा रीसेल में कितने पैसे देगा आपको, आ जाएंगे 50-60 हज़ार 70-80 हज़ार, नहीं आएंगे ना, 15-20 हज़ार रुपये से ऊपर आ जाए तो ठीक है, क्योंकि आप बेचने जाओगे ना तो सामने वाला बोलेगा ये तो पेट्रोल व्हीकल है, लोग ईवी ले रहे हैं तो वैसे भी इसकी सेकंड में वैल्यू भी कम होगी, 10-15 हज़ार में आपने एक्टिवा बेच दिया, सामने आपने 1.25 लाख रुपये का नया ईवी व्हीकल ले लिया, क्यों बताए, पेट्रोल का पैसा बचाने के लिए, समझ आए।
अब वो पेट्रोल का पैसा आप बचाओगे, कितना खर्चा आपने एक्स्ट्रा कर दिया, 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए का पेट्रोल आप कितने साल में बचाओगे ये भी तो गिनना पड़ेगा। अगर आपका एक्टिवा का यूज दिन में 10-20 किलोमीटर का है तो आप सोच लो कि 1 लाख रुपए रिकवर करने में कितने साल लगेंगे, एक ऐसी कैलकुलेशन होगी ना। अगर आपका पेट्रोल व्हीकल है ऑन एन एवरेज पर लीटर कितना कॉस्ट आता होगा, गिना है कभी आपने एक्टिवा में पर किलोमीटर कितनी कॉस्टिंग आती है, कभी कैलकुलेट नहीं किया। 96 रुपीज़ का आपका पेट्रोल है, एवरेज कितनी आती होगी एक्टिवा की, 60 की एवरेज देता है एक्टिवा, 35-40 मान लेते हैं, थोड़ा पुराना अगर व्हीकल है तो उतना मान लेते हैं। तो 2.5 से 3 रुपये किलोमीटर आपका रनिंग कॉस्ट है उसका पेट्रोल के हिसाब से अगर आप गिनो। ईवी पे जाओगे तो भी 1-1.5 रुपये तो लगेगा, तो आपने पर किलोमीटर रोज चला के कितना सेविंग कर लिया, हार्डली 1.5 रुपये। दिन का आपका यूज है 20 किलोमीटर का, तो रोज कितने पैसे बचा रहे हो ईवी व्हीकल पे शिफ्ट करके, 30 रुपये। अब ये 30 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये रिकवर करने हैं, कितना टाइम लगेगा गिनो। 1 लाख रुपये डिवाइड बाई 30 रुपये, 3,000 दिन के ऊपर लग जाएंगे, हाँ तो 365 दिन के हिसाब से 9 साल लगेंगे, समझ आया। अब 9 साल तक अगर आप वो ईवी व्हीकल चलाओगे 20 किलोमीटर डेली, तो जाके आपका वो 1 लाख वसूल होगा जो आपने आज इन्वेस्ट किया। 9 साल तक वो ईवी व्हीकल खुद चलेगा नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं। तो ये ओरली तो ऐसा दिख रहा है कि फिजिबल नहीं है, इससे बेटर है 3 रुपये किलोमीटर के कॉस्ट पे एक्टिवा चला लो, पेट्रोल भरवा के, आपको महंगा नहीं पड़ रहा, समझ आया। तो ऐसे डिसीजन यहाँ पे हमें कैलकुलेशन वाइज लेने हैं कि रिप्लेसमेंट करें या ना करें। तो अभी जो मैंने आपको सिनारियो बताया उसमें तो आपके लिए ईवी व्हीकल पे शिफ्ट करना ज़्यादा फिजिबल नहीं है। हाँ, यही आपका डेली का यूज़ 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ऐसा कुछ है, बहुत मतलब मेट्रो सिटी है, दूर डिस्टेंस पे आपको ट्रैवल करना है, तो आप यहाँ पे ना डेली सेविंग ज़्यादा कर सकते हो। तो आपका ये 1 लाख रुपये शायद जल्दी रिकवर होगा, और जल्दी में भी कितना, अगर 9 साल के बदले 5 साल में भी रिकवर हो रहा है तो भी अच्छा डिसीजन नहीं है। हाँ, 1-2 साल में रिकवर हो जाता है तो बेटर डिसीजन है। आप 4-व्हीलर से अगर आप शिफ्ट कर रहे हो ना ईवी 2-व्हीलर पे तो बहुत अच्छा सेविंग होगा, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी आपको जो एवरेज देगी ना सिटी में वो 10-12 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर नहीं देगी। तो आपका रनिंग कॉस्ट वहाँ पे कितना हो जाता है, 9-10 रुपीज़ पर किलोमीटर, और वहाँ पे आपका ईवी 2-व्हीलर आपको 1.5 रुपये पर किलोमीटर पे ले आएगा। तो आप गिनोगे ना 1 किलोमीटर व्हीकल चला रहे 7.5 रुपये बच रहा है, तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी, फिर वो शिफ्ट करना फिजिबल है। और 2-व्हीलर एक्टिवा नॉर्मल मिनिमम यूज़ उससे आप ईवी पे शिफ्ट करोगे तो शायद बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे ही डिसीजन हम यहाँ पे देखने वाले हैं जब रिप्लेसमेंट डिसीजन की बात करें। क्लियर। अब ये जो टॉपिक है इसमें जो कैलकुलेशन हमें करना है, इसमें जो अप्रोच यूज करेंगे उसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये बताता हूँ क्यों ऐसा है, पहले वो टर्म लिख लो साथ में, इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड। आज लिखना काफ़ी सारा है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी। न्यू माइनस ओल्ड बोलते हैं या इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं। इंक्रीमेंटल इसलिए कि पुरानी मशीन से नई मशीन पे शिफ्ट करोगे तो खर्चा कितना बढ़ेगा और सेविंग्स कितनी बढ़ेगी। अगर सेविंग ज़्यादा बढ़ रही है तो फायदा है, लेकिन जितना आप खर्चा बढ़ा रहे हो उतनी सेविंग नहीं हो रही है तो फिर कोई बेनिफिट नहीं। इससे बेटर है पुरानी मशीन को थोड़ा बहुत रिपेयर करा के कंटिन्यू करवा लो, वो चलेगा। डन, ये पॉइंट है। अब ऐसे सम्स को कैलकुलेट करने के लिए, रिप्लेसमेंट डिसीजन के सम्स को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में काफ़ी सारा डेटा होगा। अब बोले शुरू कहाँ से करें वो समझ नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम होगा, बड़ा सा पैराग्राफ है, बहुत सारी डिटेल्स है, तो स्टार्ट कहाँ से करें। तो अपने क्या करेंगे, पूरे डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है आपका पार्ट ए, दैट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। सेकेंड जो पार्ट होगा डेटा का उसको हम नाम देंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और जो थर्ड है पार्ट सी इसको बोलेंगे टर्मिनल कैश फ्लोज। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स पहले आप नोट कर लो, पार्ट ए बी और सी। इनिशियल कैश फ्लो, शुरुआत में क्या खर्चे होंगे पुरानी मशीन से नए पे शिफ्ट होने पे, इन बिटवीन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मशीन क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या सेविंग्स होंगी, वो प्लस माइनस जो भी होगा इसमें देखेंगे। और टर्मिनल कैश फ्लो, नई वाली मशीन भी तो कभी पुरानी हो जाएगी, उसको डिस्कार्ड करेंगे तब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारा जो फेज है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो वो टाइमिंग के हिसाब से हमने पूरे डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और सम सॉल्व करते टाइम एक एक करके टारगेट करेंगे। तो पार्ट ए में जो चीज़ें आने वाली है उसके ऊपर आप उतने डेटा पे फोकस करो, उसकी एंट्रीज कर लो, फिर पार्ट बी के डेटा पे जाओ, फिर पार्ट सी के डेटा पे जाओ, ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे। अब इसके अंदर इंटरनल डिटेल्स क्या होती है उसका फॉर्मेट लिख लेते हैं एक एक करके, फिर आगे सम के ऊपर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी साथ साथ में नोट करते जाओ, मैं समझाता जाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा।
मशीन के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं उसको, बिजनेस की बात हो रही तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, जैसे अपन एक्टिवा की बात कर रहे थे, नया एक्टिवा आपने खरीदा या नया ई व्हीकल खरीदा, उसका कॉस्ट, उसके सामने पुरानी वाली मशीन सेल ऑफ भी तो करोगे, रिप्लेस करना है ना, पुरानी बेचेंगे नई मशीन खरीद लेंगे, तो एक्सचेंज में अगर आप पुरानी मशीन बेच रहे हो तो उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू तो आएगी, उसके लिए लिखा है आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, असेट लिख लो, मशीन लिख लो, दैट इज ओके। आफ्टर टैक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टैक्सेशन का इफेक्ट भी यहाँ पे आता है, वो फिर मैं आगे आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। ये एक अमाउंट आपका आ गया, नेट आउटफ्लो कितना हो रहा है, इसके अंदर कुछ एडिशन और हो सकता है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये ऐड होगी, मीनिंग समझा देता हूँ, फिर आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा कि पार्ट ए में आपका नेट आउटफ्लो या नेट खर्चा कितना हो रहा है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये टर्म तो आपने सुना होगा, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ये टेम्पररीली ब्लॉक होता है जब तक बिजनेस चल रहा है, आप बंद कर दोगे तो ये पैसा फ्री हो जाएगा, फंड मेंटेन करना पड़ता है डे टू डे एक्सपेंसिस के लिए, ये उसकी बात हो रही है। तो पुरानी मशीन से नई पे जब शिफ्ट करोगे, हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाए, थोड़ा और पैसा आपको साइड पे रखना पड़े, तो जितनी भी आपकी नीड बढ़ रही है एडिशनल, वो यहाँ पे अपने ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो आपके आउटफ्लो के बराबर है, अभी तक तो पैसा ब्लॉक रहेगा बिजनेस में। तो ये नेट अमाउंट जो आप नई मशीन के लिए पे कर रहे हो, पुरानी मशीन का सैलवेज माइनस करके, प्लस आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो टोटल आपका आउटफ्लो या टोटल जो फंड ब्लॉक हो रहा है पार्ट ए में, वो इतना है। अब जब सम सॉल्व करेंगे ना, तो हम ये सारा डेटा ढूंढेंगे क्वेश्चन में और इसी से स्टार्ट करेंगे, बाकी एंट्री से अभी मतलब नहीं रहेगा जब ये सॉल्व कर रहे हो। इतना खत्म करने के बाद अपने जाएंगे पार्ट बी पे, वहाँ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात होगी। ये आप लिख लो, फिर आगे देखते हैं पार्ट बी। हाँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं। अब इसमें इनफ्लो आउटफ्लो दोनों कंसिडर होने वाला है। ये वो पॉइंट है कि आपने जब पुरानी मशीन से नई मशीन पे शिफ्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ सेविंग्स बढ़ रही होंगी। अब जैसे अपने उसमें कुछ एग्जांपल अगर ऐसा ले लें, पुरानी मशीन जो आप यूज़ कर रहे थे ना प्रोडक्शन के लिए ऐसा कुछ, वो मैनुअल मशीन थी, अब आप या सेमी ऑटोमेटिक थी, अब जो आप मशीन पर शिफ्ट कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिक मशीन, तो उसका बेनिफिट या एडवांटेज क्या होगा कि लेबर एक्सपेंस कम हो जाएगा। मतलब एक बंदा पहले एक मशीन पर ऑपरेटर के तौर पर चाहिए था, अब जो मशीन आप इंस्टॉल कर रहे हो वो ऑटोमेटिक नेचर की है, 5 मशीन पर एक ऑपरेटर होगा तो भी चलेगा, तो इसे समझ में आ रहा है कि आपका वेजेस का जो एक्सपेंस है वो कम होने वाला है। लेकिन उसके सामने हो सकता है कि वो मशीन्स क्योंकि ऑटोमेटेड है, उसमें मेंटेनेंस का थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हम ये देखेंगे कि न्यू मशीन पे शिफ्ट होने से हमारी सेविंग्स कितनी बढ़ी, हमारे एक्सपेंसेस कितने बढ़े और नेट इफेक्ट क्या हुआ, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा इंक्रीज इन सेविंग्स, लेस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इसमें से माइनस हो जाएगा। सेविंग्स और एक्सपेंसेस का डिफरेंस, इसमें सारी सेविंग सारी एक्सपेंसेस वो सम के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद एक और पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का पॉइंट आएगा। अब देखो, पुरानी मशीन जो आप यूज कर रहे थे उस पर जो डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने को मिल रहा था, वो कम अमाउंट होगा क्योंकि मशीन पुरानी हो चुकी है, डेप्रिसिएशन क्लेम करते करते उसका WDV कम हो गया है। न्यू मशीन पे शिफ्ट करोगे तो उसकी तो ओरिजिनल कॉस्ट जो अभी आप बेयर कर रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो पुरानी से न्यू पे शिफ्ट करने पे आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा, तो उस वजह से टैक्स सेविंग्स भी होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट वही आएगा आपका, यहाँ पे आप एडिशनल जितना डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे वो यहाँ पे लेस कर लो एज एक्सपेंस, एडिशनल डेप्रिसिएशन या फिर मैं इसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी बोल सकता हूँ। एडिशनल का मतलब पुरानी मशीन पे जो डेप्री क्लेम कर रहे थे वो तो था ही, नई पे शिफ्ट करने से एक्स्ट्रा डेप्री कितना क्लेम करने को मिल रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था इंक्रीमेंटल अप्रोच फ्रॉम ओल्ड टू न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, तो ये सब एडिशनल अमाउंट पे चल रहा है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप लेस कर लो। ये सब कुछ लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा उसको अपने वो EBT की तरह मान सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्सेस या सेविंग्स बिफोर टैक्सेस या इनकम बिफोर टैक्सेस, जो भी आप बोलो। इसमें से फिर अपने टैक्सेस का जो अमाउंट है वो पे कर देंगे, जो भी रेट दे रखा होगा वो लेस कर दो। इसको लेस करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे PAT,
कि वही आपका CFAT वाला ही कैश फ्लो वापस आ रहा है, कुछ नया नहीं इसमें। अब हमें पता है कि PAT पे अपने काम करते नहीं, अपने किस पे काम करते हैं, CFAT पे। तो क्या करेंगे उसमें, डेप्री वापस ऐड बैक कर देंगे यही वाला, तो ये एडिशनल डेप्री फिर से ऐड हो जाएगा, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज CFAT। तो ये CFAT तक अपने पहुंच चुके हैं। अब ये CFAT एनुअल है, पर एनम है, मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। CFAT आपका आ चुका है पर एनम, एक साल का CFAT। अब ये एन्यूटी वाला केस है, हर साल CFAT इतना ही रहेगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पूरे ड्यूरेशन के कैलकुलेट करने। अगर अपनी मशीन 5 साल चलने वाली है तो 5 साल तक यही CFAT हम कमाएंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इसको टोटल वैल्यू पे लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद PV4, परसेंटेज और ड्यूरेशन। ये अपन ने किया NPV वाले में, CFAT एनुअल आ गया, उसमें GT फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिल गई। एग्जैक्टली मैं वो सेम चीज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है, अपने सम्स में कर लिया, नया कुछ नहीं। तो ये जो आएगा ना, इसके बाद जो अमाउंट आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, दिस प्रेजेंट वैल्यू इज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये आ गया आपका पार्ट बी, जो अपन ये गिन रहे थे पूरा। ऐसा कुछ फॉर्मेट रहने वाला है जब अपने सम्स करेंगे, ठीक है। पार्ट बी यहाँ पे कंप्लीट लिख लो ये, फिर आगे पार्ट सी देख लेते हैं। अभी 50% ही समझ आएगा, क्योंकि इसे फॉर्मेट समझा रहा हूँ, बिना नंबर्स और बिना सम के आपको लगेगा कि कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो फॉर्मेट अभी से समझ लो कि एक एक इंडिविजुअल आइटम इसमें क्या है, तो जब अभी सम कराऊंगा ना तो आपको इसका रिलेशन समझ आ जाएगा, कैसे अपने को इसको लिंक करना। तो अभी टेंशन नहीं, यहाँ तक जितना बताया पर्टिकुलर्स तो पता चले ना क्या चीज़ें हो रही है, उस तरफ का नोट कर लिया पार्ट ए। आफ्टर टैक्स नेट सेल्वेज वैल्यू, जो भी आपकी नई मशीन आपने यूज की और उसको बेचा, तो उसके बाद भी तो कुछ पैसे मिलेंगे उसके। और वो जो स्टार्टिंग में नहीं था पार्ट ए में, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, वो अपन ने वहाँ प्लस किया था। अब जब आपकी मशीन ही आप डिस्कार्ड कर रहे हो या वो बिजनेस ही बंद कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल के लिए अभी भी पैसे साइड पे रखने पड़ेंगे क्या? ऐसा बोल सकते हो फंड फ्री हो गया, रिकवर हो गया, वर्किंग कैपिटल का पैसा कहीं कंज्यूम नहीं हो जाता है, वो बिजनेस में ब्लॉक करके रखना पड़ता है साइड पे। बिजनेस बंद करते हैं, पैसा वापस निकाल लो, अब उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये वही वर्किंग कैपिटल जो एडिशनली हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो मशीन डिस्कार्ड कर दी ना, तो वो रिकवर हो गई, वो पैसा वापस आ गया। तो रिकवर हो गई मतलब इनफ्लो है, इनफ्लो है, इसलिए मैंने उसके अंदर प्लस कर दिया। और ये आपका टोटल अमाउंट हो गया टर्मिनल कैश फ्लोस। तो ये भी पॉजिटिव साइड पे, ये भी इनफ्लो है, ये पार्ट बी में भी इनफ्लो था, और पार्ट ए में जो अमाउंट था वो आउटफ्लो था, इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये तीन पार्ट्स इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। लास्ट में आना है डिसीजन पे कि आप करें क्या, ये सब गिन तो लिया, तो वेदर टू रिप्लेस और नॉट। तो उसके लिए NPV कैलकुलेट करना है। NPV कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल, इनफ्लोज और आउटफ्लोज का डिफरेंस लेना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, B+C - A, देख लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज, टर्मिनल कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। अगर आपका ये अमाउंट पॉजिटिव आता है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जितना आपने कॉस्ट बेयर किया ना ओल्ड से न्यू पे शिफ्ट करने में, उसके सामने जो आपको सेविंग्स मिली, जो बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट ज़्यादा है, तो इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है। यही अगर आपका NPV नेगेटिव आ गया, तो ये शो करता है कि जितना आपने इनिशियल खर्चा किया उसके सामने प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स पे उतनी रिकवरी नहीं हुई, इसलिए आपका NPV फिर नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आया इसका मतलब पुरानी असेट या पुरानी मशीन कंटिन्यू करो, न्यू पे शिफ्ट करना फिजिबल नहीं, ठीक है। तो लास्ट में तो हमें NPV निकालना है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डेटा उस तरीके से दिया हुआ है कि हमने उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बोलो यहाँ तक पूरा क्लियर समझ आए, फॉर्मेट में कोई डाउट? ठीक है, तो ये नोट कर लो, पार्ट सी कंप्लीट करो, फिर अपने सम्स पे चलते हैं, फिर आपकी मॉड्यूल ओपन कर लेना, देख लेते हैं उसमें। और ये लास्ट में NPV वाला लिख लेना, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव है तो रिप्लेस नहीं करेंगे।
मॉड्यूल में देखना जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें, पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 84 पे आ जाओ, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वो देख लेते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जब समझ आएगा ना, तो चीजें जो जितनी अभी तक नहीं समझ आई वो क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन इसमें बहुत लेंदी होते हैं, तो 1 मार्क के लिए आपसे क्या क्या करवाएंगे वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल मतलब एक स्टोर है, ड्रग स्टोर बोला है, मतलब मेडिकल स्टोर की बात हो रही है, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो पहले क्लियर कर दिया, तो आपका ऑर्डर करने का मन कर रहा हो तो भी मत करना। फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें हैं। अब इनका जो बिजनेस एग्जिस्टिंग चल रहा है ना, उसका डेटा आपको दे रखा है। सेल्स रेवेन्यू बोला हुआ है कि एनुअल बेसिस पे कितना अर्न कर रहे हैं, तो 18 लाख रुपीज़ है, उसमें से उनका COGS कितना है वो भी दे रखा है, 12,60,000। वेजेस, सैलरी का खर्चा, रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटी, मिसिलिनियस एक्सपेंस, सारा डेटा आपको दे रखा है, तो पूरा उनका एस्टिमेशन आपके सामने ही है। टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। ये एग्जिस्टिंग उनका पूरे साल का डेटा है। उसके बाद जो आगे पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं कि ये लोग अपना कुछ बिजनेस में चेंजेस करने का सोच रहे हैं या कुछ इंक्रीमेंट करने का सोच रहे हैं। अब ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल स्टोर जो है वो तो चल ही रहा है, इनके पास ना कुछ फ्लोर स्पेस अवेलेबल है, मतलब जो पूरा एरिया है शॉप का उसमें कुछ जगह खाली है, वो सोच रहे हैं कि इस स्पेस को हम यूटिलाइज करके अगर इसमें कुछ साइड में और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दें तो रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। अब इसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो भी देख लो। फ्लोर स्पेस इनको यूज़ करना है, सोडा शॉप है वैसा कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो उसी एरिया में, नया कोई एरिया ऐड नहीं करना है, उसी एरिया में स्टार्ट करेंगे। लेकिन सोडा का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके इक्विपमेंट्स, मशीन, रॉ मटेरियल वो सब तो लगेगा, उसकी डिटेल्स आगे दी। बोला द ड्रग स्टोर वुड ऑपरेट द सोडा फाउंटेन फॉर एन इनिशियल 3 ईयर पीरियड, 3 साल की प्रोजेक्ट लाइफ है, डेटा सारा आपका लिंक होता जाएगा, 3 साल की प्रोजेक्ट लाइफ है, और फिर वो लोग वापस रीइवैल्यूएट करेंगे कि फर्दर कंटिन्यू करें या ना करें, ये बोला हुआ। नेक्स्ट, द सोडा फाउंटेन वुड रिक्वायर एन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 टू लीज द फर्नीचर, इक्विपमेंट, यूटेंसिल्स एंड अदर थिंग्स। इसका मतलब अभी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में वो कितना है, 20,000 रुपीज, और ये 20,000 का बेनिफिट आपको कब तक मिलने वाला है, 3 साल तक। 3 साल के बाद अगर ये बिजनेस आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो और 20,000 या तब जो एक्सपेंस होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इनिशियल कॉस्ट का डेटा आपको मिला यहाँ से। बाकी दिस इज द ओनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड, क्लैरिफाई कर दिया। एट द एंड ऑफ दैट टाइम, मतलब ये 3 साल खत्म होने के बाद, एडिशनल कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द सोडा फाउंटेन एंड नो कैपिटल वुड बी रिकवर्ड इफ इट वर शट डाउन। मतलब सैलवेज वैल्यू 0 है, ये 20,000 जो आज लगा रहे हो 3 साल के बाद अगर बिजनेस बंद कर दोगे तो ये 20,000 में से कुछ वापस नहीं आने वाला, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फुल्ली डिप्रिशिएट हो जाएगा, ऐसा आपने बोल सकते हैं। आगे, द सोडा फाउंटेन इज एक्सपेक्टेड टू हैव एनुअल सेल्स ऑफ ₹1 लाख एंड फूड एंड मटेरियल एक्सपेंस इज ₹20,000 पर ईयर। ये जो डेटा है ना, ये आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला बता रहे हैं कि हर साल इस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे और उसके सामने कितना एक्सपेंस होगा। तो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा हर साल का, लेकिन सामने 20,000 रुपए उसमें मटेरियल कॉस्ट भी आपका जाने वाला है। सोडा फाउंटेन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द वेज एंड सैलरी एक्सपेंस बाई 8%। कुछ खर्चे बढ़ेंगे, स्टाफ को भी वो काम देना पड़ेगा तो वेजेस सैलरी बढ़ जाएगी, यूटिलिटी एक्सपेंसेस मतलब लाइट का बिल और ये सब चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज द सोडा फाउंटेन विल रिड्यूस द फ्लोर स्पेस अवेलेबल फॉर डिस्प्ले ऑफ अदर गुड्स, सेल्स ऑफ नॉन सोडा फाउंटेन आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 10%। ये इफेक्ट समझ आ रहा है, क्योंकि सोडा वाला जो बिजनेस आप उसी शॉप में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास दूसरे गुड्स, जो आपका फार्मास्यूटिकल वाला जो स्टोर चल रहा था उसको डिस्प्ले करने की जगह कम है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि पुरानी चीज़ों को थोड़ा कट डाउन करें और उसके बदले नया बिजनेस सेटअप करें, तो वहाँ पे पुराने बिजनेस पे जो एग्जिस्टिंग आपका रेवेन्यू था ना ऊपर, वो 18 लाख वाला और वो सब, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिक्लाइन होगा, इसको अपने बोल सकते हैं कि उसका एक कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 10% अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा है तो वो इस बिजनेस की वजह से ही हो रहा है, तो वो भी एक एक्सपेंस है जिसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, ये पॉइंट है। आगे, कैलकुलेट द नेट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फॉर द सोडा फाउंटेन, अज्यूम दैट द ड्रग स्टोर हैज कैपिटल नेसेसरी टू इंस्टॉल द सोडा फाउंटेन एंड दैट ही प्लेसेस अ 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन दोज फंड्स। 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपका COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो दे रखा है। अब डिसीजन वही लेना है कि ये सोडा फाउंटेन वाला जो वेंचर आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वो ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए जो हम डिसीजन लेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे रहेगा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में नया वाला ऐड ऑन कर रहे हैं तो खर्चा कितना हो रहा है और नेट सेविंग्स कितनी हो रही है और फाइनली हमारा NPV क्या आ रहा है।
तो पार्ट वाइज ही अपने शुरू करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए को टारगेट करते हैं, उसके रिलेटेड जो डेटा है अभी उतना ही कंसिडर करना है। इतने सारे डेटा में रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते। जो पार्ट ए में बोला है ना इनिशियल कैश आउटफ्लो, उसी पॉइंट पर सोचना है, वहां से शुरू करते हैं। देखो अप्रोच वही रहेगा इंक्रीमेंटल, न्यू माइनस ओल्ड, पुराने से न्यू पे शिफ्ट होने पे कितना चेंज आया। इनिशियल कैश में कितना खर्चा आपका हो रहा है, अगर ये सोडा वाला बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 20,000 बोला तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलर में आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20,000। अच्छा इसमें ऐसा कुछ बोला है कि इसके बदले कोई पुरानी मशीन थी जो बेच रहे हैं उसका कुछ पैसा आएगा एक्सचेंज में, ऐसा कुछ है नहीं, ये नया वेंचर है टोटली। 20,000 के सामने आपको कोई पुरानी मशीन बेच के कुछ मिल नहीं रहा है तो लेस करने वाला पॉइंट यहाँ पे है नहीं। कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है क्या? वैसा भी कुछ मेंशन नहीं किया कि वर्किंग कैपिटल की कोई नीड्स बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्ट ए में इसके अलावा और कोई अमाउंट आ नहीं रहा है, सीधा बोला है कि आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर 20,000 रुपये का हो रहा है, तो टोटल ये यहीं पर खत्म हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं आने वाला। क्लियर? हम सीधा फिर जा सकते हैं पार्ट बी पे। वो जो मैंने आपको फॉर्मेट इतना सारा लिखवाया ना, मैंने मैक्सिमम पर्टिकुलर्स लिखवा दिए कि अगर कोई सम में कुछ डेटा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उतने पॉइंट्स आ सकते हैं। हर सम में सारे पॉइंट यूज हो रहे हो नेसेसरी नहीं है, फॉर्मेट हमने देखा था खाली, अब यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है तो ये कंप्लीट है। पार्ट बी देख लेते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब हर साल इस बिजनेस से जो सेविंग्स होने वाली है, जो एक्सपेंस होने वाले हैं, उसका हम एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। इन्होंने बोला कि आप ये सोडा बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपका जो एवरी ईयर का सेल्स रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, 1,00,000 रुपये बोले, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इन रेवेन्यू या एडिशनल रेवेन्यू जो भी आपको बोलना। अब 1,00,000 रुपये रेवेन्यू बढ़ रहा है, सामने कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं क्या? तो खर्चे भी लेस करना स्टार्ट करें, नेट रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है वो देखें। तो एक्सपेंसेस में जो लेस हो रहा है, सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट वाला जो पार्ट है वो आपका 20,000 रुपीज बोला एनुअली इसके सामने, तो वो लेस हो गया। और कुछ खर्चे बढ़ रहे हैं क्या? वेजेस सैलरी वाला बढ़ रहा है, कितना परसेंट बोला था? 8%। एग्जिस्टिंग आपकी जो वेजेस सैलरी है वो 2,00,000 रुपीज़ है ना, जो ऊपर आपको डेटा में दे रखी है, तो परसेंटेज जो बढ़ा होगा वो उसी में बढ़ा होगा। टू लाख पे 8% कितना हो रहा है? 16,000। ये भी लेस हो गए। और कुछ एक्सपेंस बढ़ रहा है? यूटिलिटी वाला, यूटिलिटी एक्सपेंस में लाइट बिल, गैस बिल, वो सारी चीज़ें हो गई। तो यूटिलिटी का आपका एग्जिस्टिंग अमाउंट था 40,000 रुपीज़ और उस पर 5% खर्चा बढ़ गया ऐसा बोल रहे हैं। कितना हो जाएगा? 2,000। ठीक है, कैलकुलेशन समझ आ रहा है ना सारा? 2,000 रुपीज़ आपका यूटिलिटी का खर्चा बढ़ गया। जो एग्जिस्टिंग है उसे मतलब ही नहीं, अपन न्यू माइनस ओल्ड करते हैं ना, नए पे शिफ्ट करने से इंक्रीमेंटल एक्सपेंस कितना बढ़ा, इसलिए सिर्फ 2,000 लिया। एग्जिस्टिंग 40,000 तो एनीवे लगना था, वो तो रेलेवेंट ही नहीं है। आप ये बिजनेस करो ना करो वो 40,000 का खर्चा तो लगना ही है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। आगे देखते हैं और कुछ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट है? और एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट भी बोला था, बोला था ना कि अगर आप ये बिजनेस पे शिफ्ट कर रहे हो तो जो ड्रग स्टोर वाला एरिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा और वहां से कुछ रेवेन्यू में लॉस होगा। अब वो 10% वाला जो पॉइंट था वो कैसे गिनना है? तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी सिंपल टर्म्स में। आप ओरिजिनल डेटा में देखो, जो आपका सेल रेवेन्यू ड्रग स्टोर से ऑलरेडी आ रहा था वो 18 लाख है, उसके सामने आपका COGS डायरेक्टली दे रखा है 12,60,000, तो वो आप लेस कर दो, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा कितना कितना अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस निकाल लो 5,40,000। ये कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन है ना, 10% अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा है तो नेट तो आपका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, नहीं तो फिर आप दोनों पे गिनो कि मेरी सेल इतने से कम हो गई तो मेरा कॉस्ट भी उतना कम हो गया, गुड्स बिकेंगे भी कम, खर्चा भी कम लगेगा। तो नेट जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसको 10% रिड्यूस कर देंगे, तो 5,40,000 जो आपका एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन है उसमें रिडक्शन हो जाएगा बाई 10%, रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन बाई 10%, तो ये हो गया 54,000। ये भी तो नुकसान है ना,
तो एक 1 लाख कमाने के लिए 54,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लग ही रहा है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। और कोई एक्सपेंस बाकी? ठीक है, तो ये सारे खर्चे होंगे, अब लेस कर लो, 8,000 बचा। अभी टैक्सेस का कोई पॉइंट है क्या सामने? देखा आपने टैक्स के रेट के लिए कुछ बोला है कि नहीं बोला? देख लेते हैं, मुझे तो दिखा नहीं टैक्सेशन वाला पॉइंट, नहीं है ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये जो भी आपका आ रहा है ना, नेट सेविंग्स है, ठीक है, नेट सेविंग्स है। इतना आपका रेवेन्यू बढ़ा, इतने खर्चे बढ़े, 8,000 रुपये कहीं ना कहीं सरप्लस आ रहा है। अब वैसे क्या होता अगर इसको अपने ईबीटी मान लेते तो उसमें से टैक्सेशन लेस होता। डेप्रिसिएशन का कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं उन्होंने क्लेम करना है क्या, तो वो भी नहीं किया हुआ, इसलिए वो भी क्लेम नहीं हो रहा। तो डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस अगर माइनस होते तो पीएटी आता, पीएटी आता, फिर डेप्री एडबैक करते तो सीएफएटी आता। अब देखो, जब टैक्सेशन का रेट ही नहीं है ना, तो कॉमन सेंस है कि डेप्री क्लेम करके कोई फायदा नहीं होना। अगर आप डेप्री लेस करते हो तो क्यों करते हो? ताकि टैक्स सेविंग्स का इफेक्ट आए, फिर डेप्री एडबैक करते हो। जब क्वेश्चन में टैक्सेशन ही चार्ज नहीं करना है तो डेप्रिसिएशन लेस क्यों करे? हाँ, अगर यहाँ टैक्स का कुछ रेट बोला होता तो अपने डेप्री लेस करते, 20,000 रुपये आपने एक्सपेंडिचर किया, 3 साल की लाइफ है, लास्ट में बोला है कि कुछ नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 करके अपने क्लेम कर लेते हैं। बट यहाँ क्लेम करके कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए डेप्री को उन्होंने सॉल्यूशन में भी इग्नोर किया, अपने भी इग्नोर कर सकते हैं। माइनस करके प्लस ही करोगे, टैक्स ही नहीं आया बीच में, तो अमाउंट तो वापस ये का यही आ जाएगा। तो ये जो 8,000 है ना, ये आपका सीएफईटी के बराबर है, इसको अपने सीएफईटी बोल सकते हैं, बिकॉज डेटा ऐसा है, डेप्री एंड टैक्सेशन का इफेक्ट है नहीं, तो यही सीएफईटी। अदरवाइज ये ईबीटी होता, इसमें से उसके पहले आप डेप्री लेस करते, टैक्स लेस करते, फिर डेप्री एडबैक करते, वो यहाँ पे करने की नीड नहीं। तो सीएफईटी तक हम पहुँच गए, वो समझ आ गया। अब ये तो एनुअल है ना, 1 साल का है, दिस इज पर एनम 8,000 रुपीज़, क्योंकि ये सेल्स आपने एनुअल ली थी, खर्चे भी एनुअल लिए थे। अब इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाना है 3 साल के हिसाब से। तो अगर आपका सीएफईटी 8,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? पीवीफा, पीवीफा का रेट उन्होंने बोला है डिस्काउंटिंग 12% और प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 ईयर्स, तो आप जीटी फैक्टर निकाल सकते हो 12% पे 3 साल का, 1/1.12, 3 बार इक्वल टू, और फिर जीटी कितना फैक्टर है, कितना 2.40, मल्टीप्लाई कर दो, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे 19,214। ठीक, ये अमाउंट आ रहा है सबका, नियर अबाउट होगा, 2-5 रुपये 10 रुपये चलेगा, अप्रोक्सीमेटली भी इतना आ रहा है, तो ठीक है। 19,214 ये आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पार्ट बी का टोटल आ गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या होता है अपने पास? पार्ट सी। पार्ट सी के लिए आपके पास क्वेश्चन में क्या डेटा है मुझे देख के बताओ, कुछ है पार्ट सी के लिए? पार्ट सी में क्या चीजें आती है? 3 साल के बाद या प्रोजेक्ट की लाइफ के एंड पे मशीन को बेचने पे अगर कुछ सैलवेज वैल्यू मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो बोला था लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो 0 हो गया। वर्किंग कैपिटल का पॉइंट था ही नहीं, तो ये भी 0 हो गया। तो एज सच पार्ट सी में कुछ नहीं है, इस सम में कुछ नहीं है, टर्मिनल कैश फ्लो इज 0। ठीक है, अब उसके बेस पे एनपीवी निकाल ले, लास्ट पार्ट पे आई गए, फॉर्मूला वही था ना, बी प्लस सी माइनस ए। पार्ट बी का आपका टोटल कितना हो रहा है? 19,214। पार्ट सी में तो कुछ है ही नहीं, और पार्ट ए में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 20,000। कितना आ रहा है एनपीवी देखो ना, नेगेटिव ही आ रहा है ना, 786 रुपीज नेगेटिव आ रहा है। आए ये क्या शो कर रहा है कि आपने जो 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए इस बिजनेस के लिए, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में आपके वो 20,000 रिकवर नहीं हुए। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स आपको नेगेटिव वैल्यू मिली 786 रुपीज, दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं। इससे बेटर है आपका जो बिजनेस चल रहा है एग्जिस्टिंग, वो चलने दो, और ये बिजनेस के बारे में मत सोचो, ये वेंचर से आपका फायदा कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, तो कोई मतलब ही नहीं है इसके पीछे अपने इन्वेस्ट करें। ये अगर कुछ पॉजिटिव आ जाता तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट करते तो समझ में आता। 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपने 8,000 रुपये हर साल का सीएफईटी कमाया, लेकिन उसको डिस्काउंट किया जब 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से, तो एनपीवी में आपके पास कुछ नहीं बचा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली में रिकवर नहीं, ये मतलब है इसका। क्लियर? तो कंक्लूजन आप वहाँ पे नोट करके रख सकते हो कि एनपीवी नेगेटिव है ना, सो गोइंग फॉर दिस बिजनेस वेंचर इज नॉट फिजिबल। बोलो, हो गया, नोट कर लिया, कुछ क्वेरी इसमें कंप्लीट यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 5 है बीच में, बट थोड़ा लेंदी है, आज नहीं कवर होगा, पहले अपने 7 देख लेते हैं, थोड़ा छोटा सम भी आपको पहले बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे उस पर तो चलेगा। क्वेश्चन 7, नाइमेक्स लिमिटेड, इसके बारे में बोला है, डेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करके पार्ट वाइज स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, देखो डेटा में क्या बोला, जो कंपनी है इन्होंने एक मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, रिसेंटली इंस्टॉल की ऐसा बोला, और मशीन का नाम है मशीन आर, और उसका जो कॉस्ट उनको बेयर करना पड़ा दैट इज 2 लाख रुपीस, ये तो हो गया। द मशीन हैज़ अ 5 ईयर लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू, सब कुछ डेटा एकदम स्पेसिफिक है, 2 लाख की मशीन इंस्टॉल कर दी, 5 साल तक चलेगी, उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, सैलवेज वैल्यू 0 है, तो अगर डेप्रिसिएशन की बात आई तो अपने पूरा अमाउंट डेप्रिशिएट कर सकते हैं। आगे द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट 1,50,000 यूनिट्स, इस मशीन से आप हर साल इतने यूनिट्स बना सकते हो और आप उसको सेल कर सकते हो एट 6 रुपीज़ पर यूनिट, तो ईयरली रेवेन्यू कितना आएगा वही मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपकी आ रही है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹2 लाख, ऑपरेटिंग खर्चा वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं, इसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, वो क्लैरिफाई कर दिया। फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी एट ₹3 पर यूनिट फॉर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होता नहीं है, बट अगर दे भी रखा है प्रोडक्शन का लेवल बता रखा है, मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट हमें मिल जाएगा, वो भी ठीक है। उसके बाद नाइमेक्स लिमिटेड के पास एक ऑप्शन आया, एक और मशीन के बारे में उनको पता चला, दैट इज मशीन एस, और बोला है कि ये मशीन सेम आउटपुट दे सकती है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, तो वही आउटपुट मतलब 1.5 लाख यूनिट्स पर एनम का वही आउटपुट रहेगा, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका एग्जिस्टिंग 2 लाख रुपये था, इस मशीन पर शिफ्ट करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 1,80,000, तो 20,000 का सेविंग है, और ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होने वाला, मशीन की थ्रू आउट द लाइफ एवरी ईयर होने वाला है, तो 5 ईयर्स की लाइफ अगर है तो तब तक ये आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। बोला फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, उतने की उतनी फिक्स कॉस्ट रहने वाली है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 2,50,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ सेम 5 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू निल, इसका मतलब ये है कि जो 2 लाख वाली मशीन अभी यूज़ कर रहे हो उसके बदले अगर आप ये 2.5 लाख वाली मशीन पर शिफ्ट कर लेते हो तो आपको ये सामने सारा डेटा देखने को मिल रहा है। अगेन हमें डिसीजन लेना होगा कि करें क्या, आगे भी कुछ और डेटा दे रखा है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ मशीन आर, ऑब्वियसली अब पुरानी मशीन तो बेच ही दोगे तभी नई पे शिफ्ट कर रहे हो, तो पुरानी मशीन का आपको कितना पैसा मिल रहा है, 1 लाख रुपए, ये एक्सचेंज में ऑफर है कि 1 लाख रुपीज़ पुरानी मशीन का आपको आज के आज मिल जाएगा, लेकिन इस मशीन को बेचने के लिए इसको डिसमेंटल करवाना पड़ेगा, इसको पूरा ओपन करवाना पड़ेगा, तो उसमें आपका खर्चा होगा, वो खर्चा आपके पॉकेट से जाएगा एंड दैट इज 30,000 रुपीज़। अब ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ होगी, एक मशीन आप 1 लाख में बेच रहे हो और 30,000 रुपये उसको बेचने में आपका खर्चा हो रहा है, तो नेट कितने में आपने बेचा उसको, 70,000 में, ये क्लियर हो गया, तो वो पॉइंट अपने यूज़ कर लेंगे। एज द कंपनी हैज़ नॉट येट कमेंस्ड ऑपरेशंस इट वांट्स टू सेल मशीन आर एंड परचेज मशीन एस, ये इमीडिएट हुआ, अभी मशीन खरीद ली है, लेकिन खरीदते ही फिर आपको लगा कि यार दूसरी मशीन का ऑप्शन भी था, तो अभी भी मौका है, हमने प्रोडक्शन कमेंस किया नहीं है, अगर हम चाहें तो आज भी नई मशीन पर शिफ्ट करके वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, या फिर अगर यही मशीन कंटिन्यू करना फिजिबल है तो वो कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करके सिलेक्ट करना है कि क्या करें, ये पॉइंट है। आगे क्या बोला, नाइमेक्स लिमिटेड विल बी अ 0 टैक्स कंपनी, देखो 0 टैक्स आ गया मतलब डेप्रिसिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्या माइनस करें क्या प्लस करें टैक्स का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो वो क्लियर कर दिया। फॉर 7 ईयर्स इन व्यू ऑफ सेवरल इंसेंटिव्स एंड अलाउंसेज अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% लेनी है और फैक्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से वही फैक्टर यूज करना, अभी भी अपने डिस्काउंटिंग वाले रेट्स यूज करेंगे। तो पार्ट वाइज शुरू करते हैं फिर से, पार्ट ए वाला इनिशियल जो कॉस्ट है वो देख लेते हैं। अगर आप मशीन आर से मशीन एस पे शिफ्ट कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एस, उसमें आपका खर्चा हो रहा है 2,50,000, ये आज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा न्यू मशीन पे शिफ्ट करने से, इसके सामने पुरानी मशीन का आपको कोई पैसा मिल रहा है, कुछ एक्सचेंज में लेस हो रहा है, अब 1 लाख गिनोगे या 70,000 गिनोगे, 70,000, तो आप नेट करके सीधा लिख सकते हो और ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो कि 1 लाख माइनस 30,000, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, टैक्स का कोई इफेक्ट है नहीं, तो सैलवेज वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ₹1,30,000, तो डिफरेंस का अमाउंट आ गया 70, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1,80,000, और कुछ खर्चा है क्या,
नहीं, नेट आउटफ्लो यही है, वर्किंग कैपिटल का कोई पॉइंट है नहीं, तो यहीं पे ये पार्ट कंप्लीट। तो आपका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है ऑफ शिफ्टिंग टू न्यू मशीन इज 1,80,000, पार्ट ए यहाँ पे खत्म, इतना ही करना है। पार्ट बी पे चलते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन इसी में आता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात हो रही है, अब देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का डेटा अगर अपन देख रहे हैं तो पुरानी जो मशीन है उस पर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो या जो खर्चा हो रहा था एनुअली वो 2,00,000 रुपये था। नई मशीन पे आप जब शिफ्ट कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा और 1,80,000 हो जाएगा। तो अपने डायरेक्टली सेविंग्स लिख सकते हैं, सेविंग्स इन ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एनम, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 20,000 होगा। सेविंग्स इन ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,00,000 माइनस 1,80,000, तो ये हो गया 20,000 रुपीज एनुअली। और कोई सेविंग्स हो रही? तो फिक्स कॉस्ट उन्होंने बोला है सेम रहेगी, तो पहले भी वही थी अभी भी वही है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे, और दोनों मशीन में आउटपुट सेम है, वही 1,50,000 यूनिट्स, और कॉस्ट बोला है वही 3 रुपये। तो पुराने से नए पे शिफ्ट करने से फिक्स कॉस्ट में कोई बचत हुई आपकी? नहीं, तो वो तो इंक्रीमेंटल अमाउंट तो जीरो है, नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, इसलिए मैंने बोला इंक्रीमेंटल अप्रोच, जो चेंज हो रहा है सिर्फ वही कंसिडर करना है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो 20,000 आ गया, अब ये 20,000 का आपका सेविंग जो है वो एनुअल बेसिस पे, ये हर साल का है। अब इसके सामने और कुछ है ही नहीं डेटा में, और कोई सेविंग्स नहीं है, और कोई एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे, डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट नहीं है, टैक्सेशन का कोई पॉइंट नहीं है, तो यही आपका सीएफएटी हो गया। आगे और कुछ गिनने के लिए पॉइंट दिया हुआ है ही नहीं, तो इसको सीएफएटी के बराबर ही मान सकते हैं, ऐसे ही बोल सकता हूँ एनुअल बेसिस पे। अब आगे क्या करें, पीवीएफ रेट दिया हुआ है 14% और लाइफ है मशीन की 5 साल, तो आपको जो फैक्टर्स दे रखे हैं ना उसी को प्लस कर लो। अगर सामने आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं तो फिर वही यूज करने पड़ेंगे जितने डेसिमल तक उन्होंने लिए, तो आंसर एक्यूरेट आएगा, वो बेस्ट है। 3 डेसिमल्स तक उन्होंने लिया हुआ है, तो 5 साल के फैक्टर्स ऐड कर लो, कितना फैक्टर आ रहा है, 3.432 मल्टीप्लाई कर दो, पार्ट बी आपका आ गया 68,640 आ रहा है, ये पार्ट बी, ये कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं पार्ट सी, टर्मिनल कैश फ्लोज में कुछ है? ये नई वाली मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी, 5 साल बाद इसको बेच रहे हैं, कोई स्क्रैप वैल्यू मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ डेटा है नहीं। ऑपरेटिंग कैश सॉरी टर्मिनल कैश फ्लोज के नाम पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कोई रिकवरी वो भी नहीं है, क्योंकि पार्ट ए में वर्किंग कैपिटल की कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो रिकवर होने का कोई चांस नहीं। अगेन इस सब में भी पार्ट सी में कुछ नहीं आ रहा है, ये जीरो है, ठीक है। तो अब एनपीवी निकालना है डायरेक्टली, पार्ट बी प्लस पार्ट सी माइनस ए, इनफ्लो आ रहा है 68,640 रुपीज और आउटफ्लो जा रहा है 1,80,000। देख लो आप ही एनपीवी कितना आ रहा है, 1,00,000 नेगेटिव आ रहा है, ज्यादा ही नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 1,80,000 रुपये खर्च करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में से 68,000 बचा रहे हो, कोई सेंस नहीं है इस पर शिफ्ट करने का, इससे तो बेटर है वो जो मशीन खरीद लिया ना उसको यूज करो, इन्वेस्ट कर ही दिया तो उसको यूटिलाइज कर लो, टूटा उसी में आपका फायदा है, या तो नुकसान हो रहा है। तो मशीन एस पे शिफ्ट होना बेनिफिशियल नहीं है, ये कंक्लूजन है, एग्जिस्टिंग मशीन के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमाउंट। बस कंप्लीट है यहाँ पे सम, इतना इनफ है। आप देख लो, कुछ नहीं क्लियर हुआ, नहीं समझ आया तो बताओ। इस क्वेश्चन में ना एक दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है, क्वेश्चन में देखो मैंने सेकंड पॉइंट पूछा हुआ है, विल देयर बी एनी चेंज इन योर व्यू इफ मशीन आर हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड बट द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन और द अदर मशीन। ये एक अलग कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, आज अपने इस पे स्टॉप कर रहे हैं, कल वापस से यही पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, तो क्या कंपेरिजन भी हो जाएगा, और तब तक आप थोड़ा एक बार इसको आज रिवाइज करके आ सकते हो। कल आओगे तो ये थोड़ा रिवाइज करके आना, क्योंकि इसी टॉपिक में मैं आगे और 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसका सेकंड पार्ट भी, बेस क्लियर होगा तो कल एडवांस लेवल के सम्स में आपको और अच्छे समझ में आएगा, वो ध्यान रखना है, तो एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। और सर ने वो एमसीक्यू आपको मैसेज कर दिए थे कैंसिल वाले, ठीक है, काफ़ी सारे कैंसिल ही है।